नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने आ रहा हूँ हाथ पैर कोहनी घुटने या फिर अपनी गर्दन को गोरा चमकदार और सुंदर बनाने के लिए बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा। दोस्तों चेहरे को चमकदार और गोरा बनाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करती, लेकिन क्या आप अपने कोहनी घुटने और हाथ पैरों पर इतना ध्यान दे पाती हैं? शायद ही आपने कभी अपने घुटने और कोहनी पर अपने हाथ पैरों पर इतना वक्त निकाला हो। पर जब आप कहीं शॉर्ट पहनकर जाने के लिए तैयार होती हैं तो आपके काले घुटने, आपके हाथ पैर या आपकी गर्दन पूरे गेटअप पर पानी फेर देती हैं। वहीं स्लीवलेस टी शर्ट पहनने पर आप अपनी कोहनी को देखकर दुखी हो जाती हैं। पर यकीन मानिए, घुटने हाथ पैर कोहनी या फिर गर्दन साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है और ना ही इसके लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बता रहे हैं जिसको अपनाने से आप अपनी कोहनी घुटने काले हाथ पैरों को भी गोरा चमकदार और सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों आपको बस दूध में दो चीजें मिलाकर अपने हाथ पैरों के ऊपर इस्तेमाल करना है। जहां पर भी आपका कालापन है वहां आप इसको इस्तेमाल करिए, सिर्फ अपने चेहरे को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर इनो लिया है। इनो को अपने चेहरे पर इस्तेमाल ना करें क्योंकि हमारे चेहरे की त्वचा काफी सेंसिटिव होती है, इसलिए इनो का इस्तेमाल हमें चेहरे पर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्या नुस्खा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जरूरत होगी एक खाली कटोरी की। आपको दोस्तों एक खाली कटोरी लेनी है और इस खाली कटोरी में आपको लेना है यहाँ पर कच्चा दूध, जो कि आपको यहाँ पर 4 चम्मच बराबर इसमें कच्चा दूध ऐड करना है। दोस्तों कच्चा दूध लेने का दोस्तों, अब आपको इसमें दूसरी चीज जो लेनी है वो दोस्तों गेहूं का आटा। आपको यहाँ पर दोस्तों इसमें 1/2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों इनो। दोस्तों आपको एक इनो लेना है और इनो को आपको काट कर इसमें 1/2 इनो इसमें जो है ऐड कर देना है। दोस्तों इस नुस्खे में मैंने इनो का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इनो हमारे त्वचा के लिए काफी अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों ये हमारे चेहरे के लिए अच्छी होती है, बल्कि ये हमारे हाथ पैर घुटने और कोहनी के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि इनो की मदद से हम अपने हाथ पैरों के मैल गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। इनो जिस तरीके से किसी भी चीज में डालते ही झाग देने लगता है, देखिए दोस्तों इस तरीके से इनो फूलने लगता है, ठीक इसी तरीके से आपके मैल और गंदगी को फुला देता है, जिससे हमारा मैल गंदगी काफी आसानी से बाहर निकल आती है और हमारे हाथ पैर काफी गोरे चमकदार और सुंदर दिखने लगते हैं। तो आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपकी क्रीम काफी अच्छे से जो है बन के तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आपको इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब दोस्तों इसे लगाने का तरीका वो ये है, आप जो है इस पेस्ट को इस तरीके से लें और अपने हाथ और पैरों के ऊपर इसकी मालिश करें, इस तरीके से। जहां से भी आप अपने कालेपन को दूर करना चाहते हैं उसी जगह पर आप इसके इस तरीके से गोल गोल कम से कम 2 मिनट तक मालिश करें। दोस्तों 2 मिनट मालिश करने के बाद में आप इसे जो है इसी तरीके से लगा हुआ छोड़ दें, इस तरीके से। फिर 10 मिनट बाद आप इसे सादा पानी से धोकर साफ कर लें। दोस्तों इस उपाय को आप हफ्ते में 1 बार करें, 1 बार के इस्तेमाल से ही आपके हाथ पैर काफी गोरे चमकदार और सुंदर दिखने लेंगे। इसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा दोस्तों, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा दूसरे दिन से। जब आप इसे 1 दिन कर लेंगे तो आपको दूसरे दिन से इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊँ कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।